आइए दोस्तों आज कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स की बात करें जिनका एक से ज्यादा मतलब होता है और एक मतलब ज्यादा चलन में होने की वजह से दूसरा मतलब लोग नहीं जान पाते या नहीं सोच पाते हैं और बातों को अन्यथा में ले लेते हैं या कभी कभी इस नासमझी में तो कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे महंगा और सस्ता के इंग्लिश की। महंगा को इंग्लिश में कहते हैं डियर। अब आप कहेंगे डियर मिस महंगा कैसे होता है, डियर मिस तो प्यारा होता है, प्रिय होता है, जैसे यू आर माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। अब मुझे कहना हो ये कलम महंगी है, दिस पेन इज डियर, मैं ये कहना चाहता हूँ ये कलम महंगी है, दिस पेन इज डियर। लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ में आएगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ ये कलम मुझे प्रिय है, प्यारी है। तो जब डियर वर्ड का यूज ज्यादातर प्रिय या प्यारे के लिए हो रहा है तो फिर हम महंगे के लिए डियर वर्ड का यूज क्यों करें? हर कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं, हर कोई किताबें पढ़ नहीं रहा, तो फिर हमारी बातें समझेगा कैसे? इसलिए कोशिश करें महंगे के लिए डियर वर्ड के बदले कॉस्टली वर्ड का यूज करें, दिस पेन इज कॉस्टली। या फिर ये भी कह सकते हैं दिस पेन इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब भी होता है महंगा। तीसरा वर्ड है प्राइसी, ये भी कह सकते हैं दिस पेन इज प्राइसी, प्राइसी मतलब भी है महंगा। देखिए प्राइसी से एक सेंटेंस बनता है, डोंट एक्ट सो प्राइसी, इसका हिंदी है ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा नक्शे मत दिखाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। फिलहाल बात यहाँ पे करें प्राइसी और कॉस्टली की, तो कॉस्टली कॉस्ट से बना है, प्राइसी प्राइस से। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइस और कॉस्ट में फर्क क्या है। देखिए दोस्तों कॉस्ट का मतलब है लागत और प्राइस का मतलब है दाम यानी मूल्य। अगर इस पेन को बनाने में 10 रुपया खर्च आया है तो इसकी कॉस्ट है 10, लेकिन एक कस्टमर तक जाते जाते इसकी कीमत 15 रुपए हो चुकी है, यानी उसमें कुछ और खर्च जुड़े हैं, तो उसे कहते हैं प्राइस। लिखा भी होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो खर्च इसके बनाने में आएगा उसको लागत यानी कॉस्ट कहेंगे और जो एंड यूजर यानी कस्टमर तक पहुंचेगा जिस मूल्य पे उसको प्राइस कहेंगे। फिलहाल दोस्तों महंगे के लिए डियर के बदले आप कॉस्टली, एक्सपेंसिव और प्राइसी वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सस्ता की। देखिए सस्ता के लिए ऑफिशियल वर्ड है चीप, ज्यादातर किताबों में लिखा भी होगा चीप, लेकिन आजकल चीप का मतलब कुछ और ही समझा जाता है। कहते हैं ना कि तुम बड़े चीप हो यार, यानी आप बड़े घटिया किस्म का इंसान है, है ना? तो चीप का मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है। सपोज दैट ये ब्लेजर जो मैंने पहन रखा है ये बहुत सस्ता मैंने खरीदा है और किसी ने देखा का ओहो दिस इज अ चीप, तो मुझे अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे यही लगेगा यार ये कह रहा है कि बड़ा घटिया ब्लेजर पहन रखा है आपने, मतलब बुरा मान सकता हूं। और याद रहे कि हर कोई किताबें नहीं पढ़ा होता है, हर किसी को इंग्लिश की प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, इसलिए अगर हमने कहीं चीप वर्ड का यूज किया हमने तो अच्छा सोच के यूज किया, सामने वाले को बुरा लग सकता है, इसलिए हम चीप वर्ड का यूज करें ही ना, क्योंकि ये चलन में है नहीं। इस वक्त सस्ता के लिए चीप वर्ड का यूज नहीं होता बल्कि घटिया कहने के लिए होता है, क्योंकि चीप का मतलब वो भी होता है। तो हम सस्ते के लिए पॉकेट फ्रेंडली कह लें, पॉकेट यानी जेब, फ्रेंडली मतलब मित्रता, हमारी जेब से मित्रता रखने वाला दाम है यानी हम खरीद सकते हैं, तो सस्ता के लिए पॉकेट फ्रेंडली कह लें, बजट फ्रेंडली कह लें, हमारे बजट के अंदर आ रहा खरीद सकते हैं, तो बजट फ्रेंडली कह सकते हैं सस्ता के लिए। अच्छा एक्सपेंसिव का एंटोनिम्स इनएक्सपेंसिव होता है, तो सस्ता के लिए इनएक्सपेंसिव वर्ड का यूज कर सकते हैं। रीजनेबल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं सस्ते के लिए, क्योंकि वजह है कि हम खरीद सकते हैं, रीजन है रीजनेबल। सस्ते के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल है ना, आप कह सकते हैं दिस पेन इज इकोनॉमिकल, ये पेन सस्ती है। इसलिए दोस्तों महंगे के लिए डियर वर्ड का यूज करने से बचिए और सस्ता के लिए चीप वर्ड का यूज मत करिए। अच्छा महंगा से याद आया महंगाई, हिंदी में महंगाई जो होती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, शुक्रिया दोस्तों।